खुशी इस बात की है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर जहां देश में यशोभूमि के नाम पर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर मिला जो 5000 करोड़ रुपए की लागत का बना है और आधुनिक सुविधाओं से लैस है, 11000 से ज्यादा लोग एक समय में वहां रह सकते हैं और दुनिया की बड़ी से बड़ी कन्वेंशंस वहां पर एग्जीबिशंस की जा सकती हैं। इसके अलावा आज 13000 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की लॉन्च किया गया है, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा की अगर मैं बात करूं तो मैं उन भाइयों और बहनों की बात कर रहा हूं जो अपने हाथ और औजार से इतने सुंदर भवनों से लेकर कृतियों से लेकर बहुत कुछ बनाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो लोहार, तरखान, कोई इसका काम, अन्य काम करते हैं, कोई बाल काटने का काम करता है। ऐसे 18 कामों को गिना गया है जहां पर उनको गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार स्किल भी दी जाएगी, उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, मुफ्त में ट्रेनिंग मिलेगी। और ट्रेनिंग जब होगी तो पहले 7 दिन की ट्रेनिंग में 500 रुपया प्रतिदिन उनको मिलेगा और जब वो एडवांस स्किल ट्रेनिंग लेंगे तो 15 दिन की होगी, तब फिर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। इसके अलावा उनको 15000 रुपया अपनी टूल किट के लिए कैश उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा और 3 लाख रुपये तक उनको बगैर किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा मात्र 5% के ब्याज पर। और अगर वो डिजिटल पेमेंट्स करते हैं तो उसका भी उनको लाभ मिलता है। ये मोदी जी ने किया, लेकिन आज एक सौगात मोदी जी के जन्मदिन पर हमने हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के शिलारू में साई के सेंटर में 200 मीटर का 6 लेन एथलेटिक ट्रैक आज समर्पित किया है यहाँ के खिलाड़ियों के लिए। और साथ में ये भी कहा है कि यहाँ पर और इवेंट्स हों और गेमों को जोड़ा जाए और इवेंट्स की ट्रेनिंग यहाँ पर करवाई जाए। एक सुविधा यहाँ पर जो मुझे लगता है पे एंड प्ले की, जो स्थानीय खिलाड़ी हैं वो अपने क्लब्स के माध्यम से, अपनी एसोसिएशन के माध्यम से, अपनी फेडरेशन के माध्यम से उन खिलाड़ियों को भी इस बड़े सेंटर पर समय समय पर खेलने का अवसर मिले, वो भी हमने अनुमति दी है ताकि स्थानीय खिलाड़ियों को लाभ मिल सके। भारत ने श्रीलंका से अभी मैच जीता है 13 विकेटों से, कितना महत्वपूर्ण है? मैंने मैच देखा नहीं, लेकिन एशिया कप जीतने पर भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई और मोदी जी के जन्मदिन पर एक और खुशखबरी और शुभकामनाओं के रूप में एशिया कप जीतकर अगर खिलाड़ियों ने दिया है तो भारतीय टीम को भी बधाई। सर, सनातन धर्म की जिस तरह से बात की जा रही है, आज कपिल सिब्बल का बयान आया है, कपिल सिब्बल का स्टेटमेंट आया है कि क्या वो असली में सनातनी हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं। उन्होंने रेसलिंग मोलेस्टेशन वाला केस का एग्जांपल दिया है, उन्होंने कहा है कि दे वर प्रोटेक्टिंग देम, बीजेपी पे आरोप लगाया है, किस तरह से? मुझे लगता है कुछ लोग जो कभी कांग्रेस का हिस्सा थे, कपिल सिब्बल जी, उन्होंने बगैर चर्चा के सेक्शन 66A को जिस तरह से पास करवाया पार्लियामेंट में, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रहार था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको स्ट्रक डाउन किया। इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे इमरजेंसी के समय भी मीडिया की आवाज़ को दबाने का, कुचलने का काम हुआ। अब ये कांग्रेस छोड़कर किसी और दल में गए, पता नहीं कहाँ गए, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, जो लोग भारत के संविधान का अपमान करते हो और सनातन धर्म का अपमान करते हो, उनको कहाँ स्थान मिलने वाला है? भारत की जनता ने इनको कभी स्वीकारा ना पहले स्वीकारेंगे। मुगल आए, सनातन धर्म को ख़त्म करने के खाब पाले, खाक हो गए। अंग्रेज आए, वो राख हो गए। अब ये जो हैं, इनको भी जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। यशोभूमि के उद्घाटन पर केजरीवाल को ना बुलाए जाने पर सौरभ भारद्वाज कहते हैं, एक तरफ तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन 3 टाइम इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाया जाता है। देखिए, ओछी राजनीति करनी हो तो कोई आम आदमी पार्टी से जाने। जब दिल्ली में इतना शानदार काम G20 की आयोजन में किया गया, तब किस तरह की ओछी राजनीति आम आदमी पार्टी के लोगों ने की? ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इनका बस चले तो हर चीज़ को फेल कराने के लिए लगे,
लेकिन शायद ये हजम नहीं कर पा रहे, इन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं, कुछ बनाकर दिल्ली को दिया नहीं, ना कॉलेज ना स्कूल। अब जब दिल्ली में भारत मंडपम बनता है, यशोभूमि बनती है, G20 का सफल आयोजन होता है, एक के बाद दूसरी उपलब्धियां होती हैं, तब ये केवल एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करके अपनी फोटो छपवाते और कुछ नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रमोद तिवारी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाइयां देते हुए कहते हैं कि अगली बार वो पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन। देखिए, ऐसी किसी के भी मन में इच्छा हो, इच्छा रखनी चाहिए, वो अगली बार कभी नहीं आती, ना 14 में आई, ना 19 में आई, ना 24 में आएगी। एक और खुशखबरी है, ISSF में जो ब्राज़ील में शूटिंग में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है, क्या कहेंगे? मैं बधाई देता हूँ सभी खिलाड़ियों को, शूटर्स को, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन वहाँ पर किया है, और आशा करता हूँ कि आगे भी एशियन गेम्स में भी शानदार प्रदर्शन करेंगे। आप एक के बाद देखिए, जहाँ नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता, वहीं पर हमारी अंतिम फेंगाल सविता और प्रिया ने रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीते अंडर 20 में, हमारी चार वुमेन बॉक्सर ने वर्ल्ड चैम्पियन बनी, हमारे प्रगनंदा चेस में वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, हमारी हॉकी की जूनियर मेंस वुमेन टीम ने एशियन चैम्पियनशिप जीती, हॉकी की सीनियर टीम ने एशियन चैम्पियनशिप जीती, हमने सैफ फुटबॉल जीता, फिर अंडर 16 सैफ जीता। एक के बाद दूसरा गेम में भारत बहुत अच्छा कर रहा है, और अब शूटिंग वहाँ जीते और एशिया कप क्रिकेट ने भी जीता, तो भारत का ये स्वर्णिम काल है। स्पेशल सेशन के लिए जा रहे हैं।